वेल सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस के एक बहुत ही मेजर टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये जो है ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ये आपने सीख लिया तो कोई सी भी लैंग्वेज जो है आप आसानी से सीख पाओगे, ग्रैप कर पाओगे। ठीक है, तो तीन टाइप्स के जो होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। एक और होता है, मतलब टोटल फोर है। ठीक है, एक होता है इफ स्टेटमेंट, एक होता है एल्स स्टेटमेंट, या कह सकते हो तुम एल्स इफ स्टेटमेंट, और एक होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें इफ एल्स साथ में होते हैं। ठीक है, और एक होता है स्विच। एल्स इफ को हम एक नेस्टेड जो है स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो पहले हम लेंगे इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। हम इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, सपोज कीजिए कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबिलिटी एट क्या है, वोटिंग के लिए एज होती है एलिजिबिलिटी 18 प्लस होती है। ठीक है, तो अब इसको हम परफॉर्म कैसे करेंगे कंप्यूटर में, वो होता है इफ स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा कि हमने यूजर से इनपुट लिया, यूजर से हमने उसकी एज पूछी। सब उसकी ये यूजर, इस यूजर ने अपनी एज डाली कि ये हमारी एज है 19। ये हमारे कंप्यूटर में गया। अब यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक होगी क्या, मतलब इफ सॉरी मैं टेक्स्ट में ले लेता हूँ, कंडीशन चेक होगी कि इफ अगर जो है एज यूजर ने डाली, या ऐसे कर लेता हूँ मैं, यूजर एज अगर ज्यादा हुई या बराबर हुई 18 के। ठीक है, मतलब यूजर जो भी एज डालेगा, जैसे 19 यूजर ने डाली, तो वो एज अगर ज्यादा या बराबर हुई 18 से, तो जो हमारा प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन होगा। ओके, जो भी प्रोसेसिंग हो गया आगे रन होगा, अदरवाइज ये एंड हो जाएगा। जो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, तो ये होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ स्टेटमेंट आई नो आपको थोड़ा समझ नहीं आया है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक तरह से चेकिंग के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम को बीच में रोक के स्टेटमेंट में कंडीशन चेक की जाती है पहले। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्रोग्राम आगे रन होगा, वरना प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके, अगर सेटिस्फाई हुई तो स्टार्ट होगा, वरना एंड हो जाएगा। ओके, तो आ जाते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन फेज की। इसी प्रोग्राम को बनाएंगे हम, तो पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम using namespace std int main। इसी फंक्शन के अंदर हम जो कोडिंग करेंगे, लाइक मैंने यूजर से उसकी एज पूछी, तो मैंने एक वेरिएबल लिया int user underscore age, और मैंने बोल दिया कि प्लीज एंटर योर एज, और मैंने यूजर की एज ले ली, यूजर अंडरस्कोर एज कर दी। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि इफ अगर यूजर की जो एज है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हुई 18 के, तो क्या हो, तो लिखा हुआ आ जाए कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, एंड एल्स सॉरी अभी हम इफ स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाए, और अगर ना हो तो कुछ भी ना हो। ठीक है, अब इसमें रन करूँ तो ये हमने प्रोग्राम किया रन, यहाँ मैंने एज डाल दी लाइक 10, तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। और अगर मैं यहाँ एज अगर मैं करूँ 20 या 19, सपोज मैं 20 कर देता हूँ, मैंने हिट एंटर किया, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो ये होता है हमारा इफ स्टेटमेंट।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अभी भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम हम देख लेते हैं इससे रिगार्डिंग। ये जो है, अगर एक बार आप समझ गए तो आपके लिए कोई भी लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस बार हम करेंगे तो कुछ आप प्रोग्राम, एक वैल्यू एक्स से पहले हम एंटर करवाते हैं, एंटर वैल्यू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा तो क्या हो, अगर आपकी वैल्यू 10 से बड़ी हो या ग्रेटर हो तभी कुछ प्रिंट हो, वरना कुछ प्रिंट ना हो, ठीक है। तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, सिर्फ बड़ी हो, बराबर नहीं सिर्फ बड़ी, तो प्रिंट कर दो कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। एंड अगर मैं रन करूँ तो हमने वैल्यू डाली 5, तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर मैंने वैल्यू अगर एंटर करी 10, तो भी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वैल्यू 10 जो है 10 से बड़ी नहीं होती, इक्वल होती है, ठीक है। अब अगर मैंने 15 किया तो हमारे पास आ गया है द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10। तो ये होती है हमारी इफ स्टेटमेंट, जो कंडीशनल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।